इकरार उठाओ। आपने देखा होगा 5 सालों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कितना विकास किया है। गाजीपुर जनपद में कोई विकास नहीं, पुनः विकास जनता चाह रही है, रोजगार चाहिए चाह रही है, नौजवान नौकरी चाह रहा है, इस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है। और गाजीपुर की महान जनता गाजीपुर की 7 सीट जिताकर माननीय अखिलेश यादव की झोली में। वीरेंद्र जी, एंटी कॉम्बियंसी मानी जाती है कि जनता वोट करती है, क्या इस बार आपको लगता है कि इसको आपका सामना करना पड़ेगा? कुछ कोई सामना नहीं, जनता हमें भारी बहुमत के साथ जिताने जा रही है। तो इसमें आपकी लड़ाई मुख्य रूप से किससे है? सामने सत्ता है, सत्ता से लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जंगीपुर की महान जनता हमें भारी मत दे करके जिताने का काम करें। और मैंने अपने कई मंचों पर और जगह जगह भी मैंने ये कहा है कि हमें आप जिताने का काम करेंगे, जंगीपुर विधानसभा में एक मिनी स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे, उसके बाद जितने हमारे अधूरे कार्य रह गए हैं उस सारे कार्यों को हम कराकर जंगीपुर को एक मॉडल विधानसभा बनाने का काम करेंगे। इन 5 सालों में आप विधायक थे तो कार्य अधूरे क्यों रह गए? आप देखे हैं कि कोरोना में विधायक निधि बंद हो गई और विधायक निधि से कितना काम हो सकता है आप समझ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विपक्ष के विधायकों के साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए कि आप सत्ता को तो आप दे रहे हो लेकिन विपक्ष को आप नकार रहे हो। वो भी जनता के मत से निर्वाचित होकर के विधानसभा में जा रहे हैं, अपनी बात विधानसभा में भी मैंने रखने का काम किया, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य साहब के यहाँ भी मैंने रखने का काम किया। आपने देखा होगा कि मैं एक सड़क के लिए जाकर धरने पर बैठ गया लेकिन आज तक वो रोड नहीं बन पाई और यहाँ के प्रशासन के लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि विधायक जी मात्र 1 हफ्ते में वो रोड बन जाएगी, लेकिन अभी तक एक काली गिट्टी भी वहाँ नहीं गिरी। ये आश्वासन था शासन प्रशासन के लोगों का, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार दी है और समाजवादी पार्टी को सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ लाने जा रही है। ये आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार ने आपके साथ सौतेला व्यवहार किया? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, सरकार ने सौतेला व्यवहार किया। 2012 से आप लगातार जो है सपा कब्जा है, क्या ये रिकॉर्ड बरकरार है? निश्चित रूप से जंगीपुर की महान जनता हमें भारी बहुमत के साथ जिताने जा रही है।